तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू ट्राइमैक्स यूट्यूब चैनल, योर डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग ऑडियो। और मैं हूं डीडी, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन को अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मोड पे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका ट्राइमैक के YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन में XLR आउटपुट के साथ एक USB-C का डिजिटल आउटपुट भी है, और इस माइक्रोफोन के अंदर एक इनबिल्ट ऑडियो इंटरफेस है जो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे USB-C के थ्रू। इस प्रोसेस को कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब जो ऑडियो इंटरफेसेस होते हैं वो ऑडियो को कैप्चर करते हैं अलग अलग रेजोल्यूशंस पे, जो मेजर किया जाता है सैंपल रेट में। सैंपल रेट का सिंपल मतलब है कि आपने कितना ऑडियो इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया है जब आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं। ये सिमिलर है वीडियो के फ्रेम रेट से। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हायर फ्रेम रेट्स पे, तब आपको एडिटिंग के टाइम पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खास करके अगर आप स्लो मोशन वीडियोस बना रहे हैं। ये सेम चीज अप्लाई होती है ऑडियो के लिए भी। अगर आप ऑडियो को कैप्चर कर रहे हैं एक हायर सैंपल रेट में, तब आप ज्यादा ऑडियो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग में, जिसको आप यूज कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि अगर आपको पिच चेंज करना है या आपको ऑडियो के स्पीड को चेंज करना है। तो यूजुअली जो सैंपल रेट हम यूज करते हैं वो है 48 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 48,000 ऑडियो सैंपल्स कैप्चर होते हैं पर सेकंड। लेकिन रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन पे आप अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन पे ऑडियो को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि आप अप टू 192 किलोहर्ट्ज़ के सैंपल रेट पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप कैप्चर कर सकते हैं 192,000 ऑडियो सैंपल्स पर सेकंड। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 192 किलोहर्ट्ज़ पे, तो जो ऑडियो फाइल का साइज होने वाला है वो काफी ज्यादा हैवी होगा इन कंपैरिजन टू 48 किलोहर्ट्ज़, और इससे आपके सीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड भी पड़ेगा। तो आपको सोच के डिसाइड करना है कि आपको 192 किलोहर्ट्ज़ पे कब रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है अपने रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन को अपने कंप्यूटर के साथ USB-C की मदद से। तो अगर आप एक मैक पे हैं तो आपको ओपन करना है ऑडियो मिडी सेटअप, उसके बाद सेलेक्ट करना है रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन को लेफ्ट से, उसके बाद क्लिक करना है फॉर्मेट पे, और यहाँ पे आपको चूज करना है 192 किलोहर्ट्ज वाला ऑप्शन। अगर आप एक विंडोज PC पे हैं तो सबसे पहले आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपको क्लिक करना है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, और डबल क्लिक करना है रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन पे, और जाना है एडवांस्ड वाले टैब पे, और यहाँ डिफॉल्ट फॉर्मेट वाले ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है 192 किलोहर्ट्ज़ वाला ऑप्शन। अगर आप अपने विंडोज PC पे 192 किलोहर्ट्ज़ और 32 बिट फ्लोट पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है रोड का फ्री कस्टम AZO ड्राइवर। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसको आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको सेम सैंपल रेट यानी कि 192 किलोहर्ट्ज़ को सेट करना है आपके डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन या ऑडियो सॉफ्टवेयर में। सिमिलरली आपको इंश्योर करना है कि आपके आउटपुट डिवाइस का सैंपल रेट भी 192 किलोहर्ट्ज़ पे सेट है, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं रोड NT1 फिफ्थ जनरेशन का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मोड। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई सवाल है अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मोड या इस माइक्रोफोन या ऑडियो के बारे में जनरली भी, तब भी आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।